पहला गाना जो मैंने उनका जो सानिध्य पर चलना है मेरे आप उनका और मेरे फादर को मैंने गाने में साथ में गाया राजस्थानी और उनका जो वर्जन है राजस्थानी दोनों वर्जन मैंने रिलीज किया था। एंड मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा एक आशीर्वाद होगा कि मैं उनकी ये गाना मैंने जब सुना तो बिल्कुल ये उनकी आवाज़ को इतना मतलब मैच कर रहा है और आज उन्होंने मुझे इस लायक समझा ये तो बहुत बड़ी बात है। सर काफ़ी कम गाने के साथ जुड़ते हैं आप और जो गाने के साथ जुड़ते हैं वो जो है सुपरहिट हो जाता है, थोड़ा सा बताइए कि क्या थॉट प्रोसेस था जब सर ने आपको अप्रोच किया, क्या सोचा आपने इस गाने के बारे में? बस रू वाले बंदों से रू की बात हो जाती है यही होता है। कम गाने का मतलब यही बात जो मैंने बताई जो रूहदारी है जिस गानों में जो शोर है शोर ईश्वर है अल्लाह है उससे हम सब लोग जुड़े। सर मम्मी खान जी इस गाने में मतलब अलग अलग सिंगर के साथ आप काम कर रहे हैं, मम्मी खान जी के बारे में किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं और थोड़ा सा बताइए कि इस गाने के लिए उन्होंने क्यों चुना? देखिए क्या है कि ये गाना जब सामने आया था इसका थॉट बड़ा अच्छा है, मुसाफिर हैं हम तो मुसाफिर रहेंगे, मोहब्बत का कुछ ऐसा ही सफर, क्या ये शायद सब मुसाफिर हैं, है ना। तो ये शायद हमने बहुत पहले इस गाने का एक बार हमने इसको रिकॉर्ड किया था लेकिन वो फिर यादों में हमारे रह गया। फिर पिछले रात को बड़े भाई हरीश जी का फ़ोन आया, यार ये गाना दिल को छू जाता है जब भी सुनता हूँ, इसको रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हाँ तो हमने फिर इसको जो है अपने आज के हिसाब से मॉडर्न ट्रैक दोबारा बना के और इस गाने को तैयार किया। इसका थॉट बड़ा अच्छा है, गुन बना के बताएंगे। मुसाफिर हम तुम मुसाफिर रहेंगे, मोहब्बत का कुछ सफर है, कुछ भी न सोचो कुछ भी न सोचो, मेरे साथ तुमको चलना अगर है। एक बड़ा सिंपल सा पोएट्री का मेरा थॉट है कि मोहब्बत में मुसाफिर बन के रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ यार, छोड़ दो नहीं सर गाना तो बहुत अच्छा है, लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं और बड़े बड़े नाम जुड़ भी रहे, एक्टर्स में कौन कौन फीचर, क्या मम्मी खान जी गाने में फीचर करते हुए भी दिखाई देंगे? सर वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको आधी रात को फोन करूंगा मेरे लिए आएंगे, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है कि मैं आज गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं वॉइस रिकॉर्ड करूंगा, वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद मैं गाने मिक्स करूंगा, मिक्स करके मैं अपनी टीम के साथ क्रिएटिवली बैठूंगा और उसके बाद उसको पूरा डिस्कस करूंगा कि कैसे इस गाने को मुझे शूट करना है, इंडिया में करना है, इंडिया के बाहर शूट करना है, क्या प्लान करना है। तो ये तो अपने भाई हैं, ये तो अपने साथ जुड़े ही हुए हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, जब हम बुलाएंगे मोहब्बत से आएंगे। अरे सर आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का थॉट प्रोसेस रहता है जब किसी भी गाने के बारे में आप लोग सोचते हैं प्रवीण सर और आप, अगर थोड़ा सा बताएं कि क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है आप दोनों के बीच में? डेली ये डिस्कशन चलता रहता है। अरे बड़ी अच्छी बात ये लगती है कि हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बाद हरीश जी सब सोने के बाद बोल देते हैं आप यार कर लो जो करना है। राजस्थान से मैं भी राजस्थान से और बड़ा प्यार है, हम लोग डिस्कशन तो 20-25 मिनट करते हैं लेकिन जो उसका जेस्ट है वो डायलॉग एक होता है, आप कर लो यार तो आपको करना है। तो ये आज के दौर में कम होता है, जब तक रूह आपस में ना मिली हो प्यार ना हो तब तक इतना क्रिएटिव काम नहीं हो सकता। सर आपसे जानना चाहूंगा राजस्थान का जो एक एसेंस होता है गाने में, तो क्या ये इस गाने में भी इस तरह का एसेंस दिखाई देगा जो आपके हर गाने में? इसमें बहुत सारा है, इसमें राजस्थान का एक्चुअली एक तो देखिए जो राजस्थानी टोन की बात करते हैं हम, तो मैं बायका मांगनियार हूँ और हमारे मतलब जो संगीत है हमें खून विरासत में मिला है एक्चुअली। एंड वो टाइम था जब ये माइक्रोफोन वगैरह कुछ नहीं था, साउंड सिस्टम नहीं था, तो उस समय भी हम लोग विदाउट माइक्रोफोन गाते थे। तो इनफैक्ट हमारी जो वॉइस बोल जाती थी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक विदाउट माइक्रोफोन जाती थी, उसमें है मुसाफिर हम तुम मुसाफिर रहेंगे, मोहब्बत का कुछ ये ना ये जो ना ये है मोहब्बत का कुछ सफर। अभी आग लगेगी बरसात में। अरे जी इसमें स्टारकास्ट की बात करें, कौन कौन आएंगे इसमें? सर देखिए स्टारकास्ट का मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी फर्स्ट गाना हमने शूट कर लिया है, उसमें हमने ये अपर्णा को फीचर किया है,
आकाश जगदा को फिर उस दिन आप लोग आए थे तो वो गाना हम जुलाई में अभी रिलीज कर देंगे, मिड जुलाई में। ये डायरेक्टर थे आप राजा, सबके इंटरव्यू आप लोगों ने उस दिन कवर किए, ये शूट हो गया गाना, तो वो गाना हमारा अभी पोस्ट में चल रहा है। ये गाना हमारा दो दिन में, तीन दिन में हमारे पास फाइनल आ जाएगा, तो अपनी क्रिएटिव टीम डायरेक्टर सबके साथ बैठ के प्रॉपर डिस्कस करके इसको प्रोसीड करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर, क्या इसका हिस्सा बनने वाले आप भी? बनने वाले बन चुकी हैं। बहुत ही थॉटफुल गाना है और ये तो इतने अच्छे सिंगर है, तो बेस्ट विशेस। मैम ये जानना चाहूँगा कि आज के दौर में जो म्यूजिक वीडियो मीडियम है, पहले के दौर में क्या था कि आर्टिस्ट आते थे म्यूजिक वीडियो एक्सप्लोर करते थे फिर फिल्म में जाते थे, आज के दौर में बड़े बड़े आर्टिस्ट भी, तो कितनी अच्छी बात है कि इतना बड़ा मीडियम बन चुका है, अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार इसका हिस्सा बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज का दौर ऐसा है कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आप OTT से शुरू कर सकते हो, एड से शुरू कर सकते हो या म्यूजिक वीडियो से शुरू कर सकते हो, ऐसा है आजकल का दौर ऐसा है। राजा साहब आपसे जानना चाहेंगे गाना कहाँ पे शूट किया जाएगा, इसके बारे में बताएं। ये गाना देखिए, पहले तो ये सोना था, सर ने बनाया सोना, मामे खान साहब आ गए, अब सोने पे सुहागा लग गया है। अब आज जब हम इस गाने को इसकी फीलिंग समझेंगे, सारा डिस्कशन डिसीजन उसके बाद ही ले पाएंगे। ऑडियो खुद बताता है कि उसका वीडियो क्या बनना चाहिए। आज हम सब ऑडियो पे बैठे हैं तो उसका जो फाइनल होगा कहाँ कब कैसे उसी पे है। मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ कब इनके लिखे हुए बोल म्यूज़िक पे वो गाएं, तो वो जो फीलिंग्स आएंगी वो बताएंगी कि हमें कैसे शूट करना चाहिए, कब शूट करना चाहिए। बहुत ही सोलफुल गाना है, तो ये बहुत बहुत एक मजबूत कहानी के साथ शूट होगा ये गाना। अभी सर आपके जो गाने हैं, जैसे कि पहला गाना भी था, दूसरा गाना भी था, हमने देखा उसमें एक 90s का भी फील है, काफ़ी मेलोडियस है, काफ़ी सिंपल ने है या सिंपल लिरिक्स है, लेकिन दिल तक पहुंचती है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन आप लेकर चल रहे हैं जो आजकल काफ़ी कम दिख रहा है, ये देखिए मैं आपको बताऊँ, आप स्टडी अभी कीजिए तो नए गाने नहीं आ रहे हैं, अभी लोग पुराने गाने रिक्रिएट कर रहे हैं, मेरे भी कई गाने रिक्रिएट हो रहे, इसका मतलब ये है कि नए कंपोजर नए गाने बना नहीं पा रहे हैं। मेरी कैपेसिटी है बनाने की, तो मैं रिक्रिएट क्यों करूँ, मैं ओरिजिनल प्रोवाइड कर रहा हूँ मार्केट को, क्योंकि नए गाने तो बन रहे हैं। बड़ी बात बोली है, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में क्या टैलेंट या क्रिएटिविटी क्या खत्म हो गई है? अब जब आप 90 के गाने रिक्रिएट आप कर रहे हो, 90s के गाने, तो इसका मतलब नए कंपोजर काम नहीं कर पा रहे हैं, वो नया प्रोडक्ट दे नहीं पा रहे हैं। अभी मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, उसके बॉस से मेरी मीटिंग हुई आधे घंटे की मीटिंग में, बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि आजकल कंपोज़र जो है वो 3 या 4 महीने में एक गाना दे पाता है। मैं अपनी कैपेसिटी बताऊं कि मैंने दिन में, ये लोग जानते हैं सब, तो मैंने दिन में शायद मेरी गाड़ी उधर से उधर घूमती थी, मैं 5-5 गाने एक दिन में रिकॉर्ड करता था। आप लोग तो सब दबाओ उस चीज़ के, क्योंकि एक गाना मेरा सुदीप में चल रहा होता था, एक सनी सुपर साउंड में चल रहा होता था, तो हम लोगों की जो डिलीवर करने की कैपेसिटी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, आज भी स्ट्रॉन्ग है, शायद वो नई जनरेशन की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है डिलीवरी करने के। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। जाते आते अगर आपकी आवाज़ में दो लाइन सर कोई और ला सकते हो? मैंने खुद ही कई नैनों में देखो तारे रब दिखता है गोरी देखे थाने जिया, नैनों में देखो तारे रब दिखता है गोरी देखे थाने जिया, आयल बेली सजनिया अरे नखराली मारी, नैनों में देखो तारे रब दिखता है गोरी। अच्छा एक अनाउंसमेंट आज ही कर रहा हूँ, मामे भाई आए हैं, मैं शायद जो जयपुर में फिल्म शूट कर रहा हूँ, बहुत बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म, उसका टाइटल अनाउंस नहीं करूँगा, उसका मुहूर्त गाना मामे भाई गाने आएंगे 15 तारीख के आसपास, जो लगभग मेरे 15-20 करोड़ के बजट की पिक्चर है, वो कर रहे हैं काफी मीडिया तो वो दारू वाली पार्टी करेंगे जयपुर आएंगे सर प्रॉमिस, पूरी टीम को जयपुर बुलाएंगे, बढ़िया, और रात वाली पार्टी करेंगे, दिन वाली आर्टिकल जारी कर रहे हैं सारे।